तो फिर सबसे पहले आपको फ़ोटो ऐसा क्लिक करवाना है, उसके बाद आपको फ़ोटो को कट करना है, उसके बाद आपको जाना है सीधा पिक्सआर्ट में। तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता ही होगा कि एप्पल स्टार्ट हो गया है, तो उसके खास चलो कुछ फ़ोटो एडिट कर देते हैं और आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को मिस मत करना, और वीडियो को पूरा देख लोगे तो पक्का सीखना ही सीखना है गाइस। तो चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट ओपन करना है। पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद इस प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड है, वो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना बैकग्राउंड ले लिया हूँ। नाइस, बैकग्राउंड लेने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा मोड़ा इसको थोड़ा ब्लर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्लर में गया, इसको ब्लर कर लिया, उसके बाद डन कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे टूल्स में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे साइज़ थोड़ा बड़ा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या, आपको यहाँ पे 1717 क्लिक करना है, ताकि आपको फ़ोटो है ना साइज़ जो बैकग्राउंड का उसमें ना सेटअप हो जाए और ज़्यादा फ़ोटो को फटे नहीं तो साइज आप करोगे ना तो ऐसे आपको हमेशा फ़ोटो फटते ही होगा। तो कभी भी करोगे तो हमेशा अपना साइज़ को बड़ा करके, ठीक है। तो उसके बाद चलो ऐड फोटो में चलता हूँ। ऐड फोटो में जाने के बाद जो मैंने फ़ोटो यहाँ पे लिया, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ। तो ये हमारा ये है चेन्नई सुपर किंग का सबसे मेरा फेवरेट खिलाड़ी है और पूरा ये टीम हमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेटअप करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बताने वाला हूँ कि आप कितने अच्छे से इसको जोड़ सकते हो, ठीक है। जितना अच्छा से जोड़ोगे उतना आपका फ़ोटो मस्त बनने वाला है। तो गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे कितने अच्छे से एक बार मेरा सेट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा होता है ना कि एक दो बार जब से अच्छे से करोगे ना जब मज़ा नहीं आता है, तो अच्छे से इसको मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है गाइस। तो इसको थोड़ा मोड़ा मिलाऊँगा अच्छे से एकदम, और अच्छे बेस्ट सेटअप हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट होता है। एक मिनट गाइस, इसको मैं थोड़ा अच्छे से कर लूँ। बस आपको ये अच्छे से सेटअप करना होता है गाइस, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसको अच्छे से सेटअप कर लिया तो आप तो फोटो एडिटिंग मास्टर हो जाओगे पक्का। बस थोड़ा मतलब मेहनत लगती है, हमको पता है कि मेहनत लगती है, बट आपको अच्छे से यहाँ पे सेटअप करना होगा। तो देखो हमारे यहाँ पे फेस जो है थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा माइनर है, उसको मैं यहाँ पे थोड़ा मिला लेता हूँ गाइस, पूरा माइनर, बस ज़्यादा नहीं भाई, ज़्यादा नहीं। तो गाइस आप देखो फेस कितना बढ़िया एकदम सेटअप हो गया है। तो इसको थोड़ा अच्छे से अब थोड़ा इरेजर में जाकर इसको मिलाने वाला हूँ, ठीक है। तो फेस पे क्लिक करता हूँ और इरेजर में क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जितना भी फालतू है ये सब थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा अच्छे से करना ताकि आपकी फ़ोटो जो है बेस्ट बने, ठीक है। यहाँ पे कुछ मेरा फालतू हो गया तो इसको मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। तो बस अब भी थोड़ा जितना अच्छा सा फोटो एडिट करोगे ना आपकी फोटो बेस्ट बनने वाली है, ठीक है गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैंने फोटो थोड़ा सेटअप कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा बाल हो गए, इसको डिस्को हटा देगा, हेयर ज़्यादा बड़ा बड़ा हो गया, फोटोग्राफ में जाकर उसको मैनेज कर देंगे। थोड़ा नॉइज थोड़ा आ रहे हो, उसको थोड़ा मैनेज करना है आप लोग, सॉरी गाइस, मैं थोड़ा वीडियो बाहर बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसको थोड़ा मैनेज करना। देखो गाइस यहाँ पे मैंने फेस जो है सेटअप कर लिया है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं डन करता हूँ, ओके। उसके बाद डन करने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा जो फेसअप है जो मस्त हो गया है, ठीक है गाइस। तो इसको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे जाना है और ऐड फोटो में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, हमारा जो IPL है उसको मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो डाउनलोड में फाइल ये ले रहा है, उसके बाद इसको डन करता हूँ। उसके बाद डन करने के बाद इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेटअप करने वाला हूँ अच्छे से। एक लोगो है, उसको लोगो को मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेट कर दूँगा चेन्नई सुपर किंग का। इरेजर में जाकर इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर दूँगा। उसके बाद अच्छे से इसको लोगो यहाँ पे थोड़ा मैं सेटअप कर लिया हूँ। बाकी जितना आपका येलो जो शो कर रहा है वहाँ, ठीक है, उसको मैं अच्छे से हटाने वाला हूँ। तो थोड़ी वीडियो को मैं यहाँ पे थोड़ा पॉज कर रहा हूँ गाइस, ठीक है, ताकि ये वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है गाइस।
तो गाइस यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरा लोगो जो है यहाँ पे कट हो चुका है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा इसको कम कर दूँगा, ठीक है। फिर इसको फिर यहाँ पे डन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करना है, आपको सीधा फोटो पे सीधा सेव करना है, ठीक है। फिर ऑटो गैस में जाएंगे, ऑटो में ऑटो में जाने के बाद यहाँ पे सीधे सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको चलते ऑटो गैस में मिलते हैं। तो गैस यहाँ पे आने के बाद कुछ यहाँ पे देख रहे हो जो कि यहाँ पे जो फेस अच्छे से यहाँ पे थोड़ा तो गर्दन पे जो है ना अच्छे से मैचिंग नहीं हुआ है, तो उसको हम अभी मैच करने वाले हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देख लो जो कि सेटिंग जो मेरा है वही रखना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेटिंग आपकी मेरी जो कि मतलब फ़ोटो है वही हिसाब से आप रखना, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ पे मैं सेटअप कर लेता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरा जो फेस है बहुत अच्छे से एकदम मैचिंग कर चुका है। उसके बाद कुछ कलर वर्क करूँगा तो वो मैचिंग हो ही जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप भी यहाँ से अच्छे से कर लेना, यहाँ पे थोड़ा फेस वेस क्या है कि थोड़ा ज़्यादा स्मूथ हो जाता है तो ज़्यादा बेस्ट लगता है गाइस, ठीक है। तो आप भी प्ले स्टोर में अच्छे से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करने बाद इसको, ठीक है। अब यहाँ पे तो मेरा सारा काम हो चुका है, कुछ हेयर स्टाइल में कुछ हेयर स्टाइल अच्छे से इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा मतलब बनाने वाला हूँ हेयर स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं लेयर में, उसके बाद आपको हेयर स्टाइल इस पर क्लिक करना है और सेटिंग देख लो, आपका जो सेटिंग है सेटिंग यही रहेगा और बाकी यहाँ पे साइज जो है छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे थोड़ा साइज को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हेयर स्टाइल पर, यहाँ पे थोड़ा बकरी बोल रहा है गाइस, तो इसको थोड़ा माफ़ करना।
तो गाइस यहाँ पे देख रहे हो मैं अपने हेयर स्टाइल जो है बना लिया हूँ, और यहाँ पे कुछ कुछ साइड में कट देने वाला हूँ हेयर स्टाइल में, ताकि उससे भी थोड़ा तो वेस्ट बन जाए। तो गाइस उसके लिए मैं चलता हूँ थोड़ा, उसके बाद आपको मतलब कि जो कट देना है आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आप सेटिंग देख लो, सेटिंग एकदम बिल्कुल यही रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना फालतू, ठीक है। तो गाइस सेटिंग देख लो, उसके बाद चलो आप स्क्रीन शॉट भी ले लो, हम बाद में उसको मतलब मिला कर लेना, ठीक है। तो गाइस चलो इसको यहाँ पे लाइनिंग देता हूँ, ठीक है। तो लाइनिंग देने से मतलब ज़्यादा फोटो और बेस्ट बन जाएगी। फोटो में जो है कट, गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे कट देने के बाद हमारी फोटो में जो क्वालिटी कितनी अच्छी बढ़ चुकी है। तो गाइस इसको यहाँ पे तो हमारा काम पूरा टोटली खत्म हो गया है। तो अब चलता हूँ सीधा कलर एडजस्ट में, क्योंकि अब लाइट रूम में जाने वाले हैं। तो गाइस यहाँ थोड़ा बीच वीडियो को पॉज करता हूँ, और उसके बाद मिलता हूँ सीधा लाइट रूम में। गाइस तो हमारी फ़ोटो ये लाइट रूम में आ चुकी है, तो यहाँ पे ऑल फोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखो हमारी फ़ोटो आ चुकी है, ठीक है गाइस। तो उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करना होगा और इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑन कर लेना ताकि आपकी फ़ोटो एकदम मस्त क्वालिटी वाली हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जाना है यहाँ पर कलर एडजस्ट में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखते रहना, ठीक है गाइस। सॉरी गाइस इसको पहले यहाँ पर मैनेज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो शुरू से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको हाईलाइट देखना है, ठीक है। हाईलाइट की आपकी फ़ोटो में कम पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो आपको यहाँ पे कम बेसी करके, या आप अगर आप बिगिनर हो तब, ठीक है, यहाँ पे आपको कम मैनेज करना है कि क्या इस चीज़ को चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे मैनेज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो हल्का ज़्यादा नहीं, हल्का हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देख लेना, ठीक है, आपको जितना चाहिए आप वहाँ पे इसको मैनेज कर मतलब देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वाइट बैलेंस है, इतना आपको वाइट चाहिए नहीं चाहिए, वाइट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे वाइट कम कर सकते हो, वाइट कम है तो वाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वाइट नहीं चाहिए, फोटो देखो अब फटने लगता है, तो वाइट हमको नहीं चाहिए, वाइट हमको कम चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो ब्लैकनेस है, यहाँ पे क्या कि थोड़ा ब्लैक वाइट तो ज़्यादा करना है, यहाँ पे देखो हेयर स्टाइल ब्लैक करना है तो यहाँ पे ज़्यादा ब्लैक कर सकते हो, या वाइट करना है तो यहाँ पे वाइट कर सकते हो, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हमको ब्लैक उतना नहीं चाहिए, हल्का साइज को थोड़ा मतलब कि इसको कम करके रखूँगा, बाद में इसको ब्लैक में कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे कलर एडजस्ट में, ठीक है। तो इस पर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ मिक्स पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे रेड, सबसे पहले रेड वाला था तो इसको सबसे ऊपर वाला में यहाँ पे रेड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे भाई घसकना वाला रेड, यहाँ पे देखो चलो इसको यहाँ पे काम हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अब इसको नीचे रहता है, इस पर थोड़ा मिला लेता हूँ, क्या चाहिए नहीं चाहिए तो इसको थोड़ा मैनेज करना ही पड़ेगा, आपको अच्छे से कलर एडजस्ट करना है, ठीक है। आप देख लेना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो मैं कर रहा हूँ उसको स्क्रीन शॉट तो नहीं लेना, बट आप इस स्क्रीन रिकॉर्डर जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आप सीधा जब वीडियो देख रहे हो तो उसको रिकॉर्ड करके देखो, आराम से बाद में आपको काम आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे तो इसको कोई काम नहीं है, बट इसको यहाँ पे थोड़ा मैं यहाँ अपना कर लेता हूँ, ठीक है। इसके लिए ग्रीन, तो ग्रीन आप देख लो यहाँ पे ग्रीन का ज़रूरत है, हल्का यहाँ पे ग्रीन का ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे थोड़ा फेस, ठीक है, फेस पे थोड़ा चाहिए लाइट, फेस पे लाइट बहुत कम लग रहा है, फेस पे थोड़ा इसको सबसे लास्ट वाला है, इस पर हम यहाँ पे क्लिक अच्छे से कर देंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे फेस मेरे कितना था, और इस मतलब ज़्यादा गोरा है तो इसको कम कर सकते हो, देखो कितना सुंदर लग रहे हैं तो आप देख सकते हो कितना स्मार्ट लग रहे हैं ना। यही आपको थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा तो देखो आपकी फ़ोटो को जो है, तो आपकी फ़ोटो देखो कितना मस्त लग रही है। आप भी एकदम अच्छे से पता चल गया होगा कि हाँ क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे तो दोस्त यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया, तो इसको यहाँ पे डन करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको आपको यहाँ से इसको अगर कम करना है, ठीक है, उसके बाद इसको आपको बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, मीडियम रखना है इसको, उसके बाद हल्का से इसको मैनेज करना है, ठीक है।
एकदम फोटो को नेचुरल कलर रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें जाना है, ठीक है। क्लियरिटी को इसको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया क्लियरिटी। उसके बाद इसको पे थोड़ा साइड कर लेते, भाई घसक ना यार, क्यों नहीं घसक रहा है। तो इसको भी थोड़ा रख लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस मेरा हमको एक बात ज़रूर बताना, आपकी फेवरेट कौन सी टीम है, ठीक है। हमारी तो फेवरेट टीम है चेन्नई सुपर किंग स्टार, सबसे मेरा फेवरेट है, ठीक है। इसलिए मैं उसका फ़ोटो बना भी रहा हूँ। अगर आपको कुछ और फोटो बनाना है और टीम का, जैसे विराट कोहली का टीम, उसका फ़ोटो बनाना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये भी बताना कि आपकी फेवरेट टीम कौन है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा फेस भी सूट हल्का कर लूँगा, तो ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का रखना, उसको भी हल्का रख देता हूँ, ठीक है। तो हमारी फ़ोटो जो है यहाँ पे बन चुकी है गाइस। आप यहाँ फ़ोटो देख सकते हो कि हमारे फ़ोटो में क्वालिटी क्या आया है और क्या नहीं। देखो आप पहले की फ़ोटो देखो और लाइटरूम में आने के बाद उसके बाद आप फ़ोटो देखो कि क्या क्वालिटी चेंज हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो पूरा की फ़ोटो क्या लग रही है और क्या नहीं। अगर आपको मतलब इस फोटो में कुछ कमी लग रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले सेव करने के लिए आपको 3 डॉट पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद नीचे जाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे सेव टू डिवाइस में आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और इस पर सीधा ओके पे क्लिक करना है। आपकी फ़ोटो यहाँ पे सेव हो रही है, ठीक है। तो गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है बट आपको सेव करके दिखाएंगे, ऐसे तो हम बंद कर नहीं सकते हैं। तो गाइस यहाँ फोटो हमारी सेव हो गई है, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना, और दबा के शेयर करो, अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर कर। तो गाइस तो यहाँ पे तो पूरा कलर अच्छे से हो गया है बट यहाँ पे कुछ PNG छूट गया है हमसे, सॉरी गाइस। तो हम चलते हैं फिर से पिक्सार्ट में। तो आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है 3 डॉट पे, ठीक है। उसके बाद आपको पिक्सार्ट में जाना है, ठीक है। तो पिक्सार्ट यहाँ पे ओपन कर लिया, ठीक है। पिक्सार्ट में शेयर करने के बाद आपको कुछ टैक्स IPL का वो लगाना भूल गया था गाइस। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा पिक आ चुका है, तो चलते फिर से यहाँ पे गाइस। यहाँ पे ऐड फोटो में गया, उसके बाद IPL ले लिया, ठीक है। इसको डन कर दिया, उसके बाद मेन तो IPL ही भाई, और IPL ही छूट जाएगा तो फिर तो मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है। उसका डन कर लिया। उसके बाद गाइस जो मैं हम जो ना जो फेस से जो फेस है, उसके बाद यहाँ पे हैंड पे जो कलर नहीं मिल रहा था उसको भी मैनेज करना मैं भूल गया था गाइस। तो सॉरी गाइस। तो चलो यहाँ पे जाता हूँ टूल्स में, ठीक है। टूल्स में जाने गाइस यहाँ पे एडजस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस तो बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ पे थोड़ा मैनेज करूँगा, उसके बाद मतलब इरेजर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा, ओनली सिर्फ हैंड में जाएंगे, ठीक है। तो गाइस सिर्फ ओनली हैंड पे कलर करूँगा यहाँ पे, ठीक है, ताकि फेस से तब कलर जो है मिल जाए। अब ये नहीं कि हैंड को ब्लैक कर दिए और फेस को गोरा कर दिए, इतनी मज़ा नहीं आया। तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। बस यहाँ पे तो हो चुका है, इसको फिर से अच्छे से मैनेज करूँगा। तो गाइस आप देख लो यहाँ पे अच्छे से हमारे पिक हो चुकी है, ठीक है गाइस। तो फिर अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड कमेंट, और दबा के अपने दोस्त लोग को शेयर करो, उनको भी ये समझ में आए और सीखें और फोटो एडिट करें, ठीक है गाइस। तो और हाँ ये भी बताना कि आपका सबसे फेवरेट टीम कौन सा है। हमारा तो फेवरेट चेन्नई सुपर किंग है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस चलते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और हाँ आपको सेव भी करना होगा तो यहाँ पर हमें जाने के बाद, ठीक है। उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेव इमेज पर क्लिक करके सेव कर लेना है। यहाँ से फ़ोटो हमारी अच्छा क्वालिटी में सेव होती है। तो गाइस फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ओके बाय बाय।